सत श्री अकाल जगबाणी टीवी दे नाल तुसी बने हुए हो। मैं हाँ सुख सोहल। पंजाब दे विच भाजपा ने डेरियां ते डोरे पाउणे शुरू कर दिते ने। भाजपा दी आखे इस वेले पंजाब च डेरियां दी वोट दे उत्ते, जिस नूं लैके पीएम मोदी तो लैके भाजपा दे छोटे वर्कर भी डेरियां दे नाल संपर्क साधदे नज़र आ रहे ने। दस दिए कि पंजाब दे विच चाहे माझे की गल होवे, दुआबे की गल होवे, मालवे की गल होवे, वख-वख डेरियां दी वड्डी वोट बैंक ए। डेरियां दी वोट बैंक पंजाब दीआं चोणां दे विच हमेशा ही वड्डा रोल अदा करदी ए, ते इसे दे चलदे हुण जदों लोक जिहड़े ने उह भाजपा तों किते ना किते उन्ना ज़्यादा वड्डा हुंगारा नहीं दिंदे नज़र आ रहे, तां भाजपा दी कोशिश हुण डेरियां ते डोरे पाउण दी हो रही है। डेरियां दी वोट नूं कीलण दे विच भाजपा लगी हुई है, जिस दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लैके भाजपा का हर वर्कर योगदान पाउंदा नज़र आ रहा है। कल तस्वीर वायरल हुई सी, जिस तस्वीर दे विच डेरा मुखी ब्यास राधा स्वामी डेरे दे मुखी ब्यास तो जिहड़े गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने उन्हां वल्लों मुलाकात की गई सी पीएम मोदी दे नाल। सो उन्हां दी पंजाब फेरी तो पहलां अजिही तस्वीर सामने आना अपने आप च वड्डी कह सकदे हां कि वड्डे मायने रखदी है, क्योंकि डेरा ब्यास जिसका वड्डा वोट बैंक जलंधर ते दुआबे खेत्र दे विच, उस वेले वह मुलाकात होंदी है जदों पंजाब दे विच कह सकते हैं कि जलंधर शहर च खास करके दुआबे च पीएम मोदी की रैली होण जा रही होवे, उस तो एक दिन पहला डेरा मुखी दे नाल तस्वीर वायरल होना यह जरूर बयान करता है कि भाजपा की वोट इस वेले पंजाब दे डेरियां दी वोट दे नाल जिहड़ा उत्थे कह सकते हैं कि अख जिहड़ी रखी हुई है। इस तो पहला मालवे की गल की जाए तो डेरा सच्चा सौदा दे मुखी राम रहीम नू 21 दिन की परोल मिलन भी भाजपा की वोट बैंक के नाल जोड़ के देखा जा रहा है। भाजपा के वड्डे लीडर पिछले कई दिनों तो डेरा सच्चा सौदा के गेड़े लगाते दिखाई दे रहे हैं। इतों तक कि भाजपा के सीनियर जिहड़े नेता ने सुरजीत जियाणी, वह तो अपने आप को डेरा सच्चा सौदा का उपाशक दस चुके ने, अपने आप को डेरा प्रेमी आख चुके ने, तो ये आख चुके ने कि वह हमेशा ही डेरे से आते रहते हैं। इस तों अलावा कई होर दिग्गज लीडर भी पंजाब च भाजपा के डेरा राम रहीम दे जिहड़े डेरे ने उन्हां दे उत्ते गेड़े लगाउंदे दिखाई दिंदे ने। दुआबे च गल की जाए तो दुआबे च जिथे राधा स्वामी दे मुखी दे नाल मुलाकात की गई है, उत्थे ही चर्चावां इह वी ने कि डेरा सचखंड बल्ला उन्हां दी वोट बैंक नूं लै के भी भाजपा के कई जिहड़े वड्डे लीडर ने वो उत्थों दे मुखी जिहड़े ने उन्हां दे नाल संपर्क साधन दे विच लगे हुए ने। इस तरीके दे नाल चाहे वह नामधारी संपर्दा होवे, चाहे वह नूर मैली संपर्दा होवे, जां फिर होर जिहड़ियां संपर्दावां दे डेरे ने पंजाब दे विच, उन्हां दी वोट नूं मुख रख के भाजपा पंजाब दे विच डेरियां दे नाल संपर्क साधन च लगी हुई है, ते आए दिन नवीं तस्वीरां इस गल दे उत्ते की मोहर लगाउंदियां भी नज़र आ रही ने। भाजपा नूं इंज लग रहा है कि पंजाब च डेरावाद जिहड़ा है वह वड्डी गिणती दे विच वधिया है, डेरियां दे नाल वड्डी वोट जुड़ी हुई है, ते जेकर पंजाब च कुछ क डेरे उन्हां दे हक च भुगत जांदे ने तां पंजाब च भाजपा दी वोट बैंक जिहड़ी है उहदे च खासा वाधा होवेगा। इसे दे चलदे जिहड़ा है भाजपा वल्लों पंजाब दे विच लगातार कोशिश की जा रही है कि डेरियां दी वोट नूं जिहड़ा है वह अपने हक च कीता जावे, डेरियां दी वोट जिहड़ी है वह भाजपा जिहड़ी है उस नूं अपने हक च भुगता देवे, तां जो जिहड़े नतीजे ने वह हैरानीजनक सामने आ सकन। सो कल रात जिस तरीके दे नाल तस्वीर वायरल हुंदी है, यह भी दस दिए कि जिस समय पीएम मोदी डेरा राधा स्वामी डेरा दे मुखी दे नाल दिल्ली च मीटिंग कर रहे सी, उसे ही समय पंजाब दे विच गृहमंत्री अमित शाह जिहड़े सन वह अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे नाल मुलाकात कर रहे सन। एक घंटा लंबी गलबात हुंदी है ज्ञानी हरप्रीत सिंह दी अमित शाह दे नाल, जिस दी पुष्टि खुद ज्ञानी हरप्रीत सिंह हुणा वल्लों की गई। उन्हां आख्या कि चाहे बंदी सिखां दी रिहाई होवे, शिलोंग च सिखां दा मसला होवे, जां फिर होर जिहड़े तमाम पूरे भारत के सिखां दे मसले ने, उन्हां दे उत्ते विचार चर्चा जिहड़ी है वह की गई है। सो ये तस्वीरां पहलां भाजपा की राजनीति जिहड़ी पंजाब च रही है उस दौरान कदी भी देखण नूं नहीं मिलियां। इस वेले भाजपा की अख पंजाब च डेरे की वोट के उत्ते, राधा स्वामी डेरे दे मुखी दे नाल मुलाकात हो चुकी है, राम रहीम हुणां नूं पैरोल मिल चुकी है, उत्थे भाजपा के जिहड़े लीडर ने वह गेड़े लगाउंदे दिखाई दे रहे ने। इस तों अलावा दुआबे के जिहड़े वड्डे डेरे ने उन्हां दे वल भी भाजपा संपर्क साधदी नज़र आ रही है। इस तों अलावा पंजाब
दे होर भी जिहड़ियां संपर्दावां ने जिन्हां दा मैं जिक्र पहलां भी कर चुकिया हाँ उन्हां दे नाल भी संपर्क साधन की कोशिश जिहड़ी हो रही है। राम रहीम चाहे 21 दिन की परोल दे उत्ते पर डेरे वल्लों ये ऐलान कर दिता गया है कि वह किस पार्टी नूं सपोर्ट करनगे। इस बार जल्दी ही वोटां तों 48 घंटे पहलां वह अपना फैसला सुना देणगे। इस वेले डेरा सच्चा सौदी दे राजनीतिक विंग दे जिहड़े लोग ने वह वख-वख हलकियां च जा रहे ने, लोगों की राय लै रहे ने, तो उस तो बाद डेरे दा राजनीतिक विंग जिहड़ा है वह छरेआम खुलेआम जिहड़ा फैसला है वह सुनावेगा कि इस बार डेरे की वोट केड़ी पार्टी दे हक च भुगतेगी। मालवे च वड्डा जन आधार है, वड्डी वोट मन्नी जांदी है, कई हलकियां नूं प्रभावित करदी है डेरा सिरसा दी वोट, सो वह भी फैसला काफ़ी अहम होवेगा। जिस तरीके दे नाल पंजाब विधानसभा चोणां पहली बार भाजपा लड़ रही है तो पहली बार राम रहीम नूं उसकी सज़ा के दौरान 21 दिन की पैरोल मिली है, सो किते ना किते इस सारे संदर्भ नूं भी भाजपा की मालवा च मजबूती दे नाल जोड़ के देखा जा रहा है। दुआबे दे विच भी भाजपा की नज़र डेरा वोट बैंक के उत्ते, दुआबे के जिहड़े वड्डे डेरे ने उन्हां दे नाल भाजपा लगातार संपर्क साध रही है। भाजपा की कोशिश है कि डेरे की वोट नूं कील के पंजाब च एक वक्री हवा अपने पक्ष च बनाई जा सके। कल अमित शाह पंजाब पहुँचे सन, अज प्रधानमंत्री पंजाब पहुँचणगे। आने वाले छे दिनों के दौरान तीन वड्डियां रैलियां पंजाब दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करनगे। इस दौरान दस्या जा रहा है एक हवा बनाउण दी कोशिश चोण प्रचार दे आखिरी दिनां दे दौरान रहेगी, ते इह भी मन्निया जा रहा है कि कई होर वड्डियां शख्सियतां जिहड़ियां ने इन्हां 4-5 दिनां दे दौरान पंजाब च भाजपा दा पल्ला फड़ सकदियां ने। जिस तरीके दे नाल अज मनीषा गुलाटी दी जिहड़ी शमूलियत है वह भाजपा च होण जा रही है। पंजाब वूमन कमीशन दे चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी हुण तों 1 जां 2 घंटे दे अंदर भाजपा च शामिल हो जाणगे। भाजपा दे दिग्गज लीडरां दे जिहड़े डेरे ने इस वेले पंजाब च लगे हुए ने। दस्या जा रहा है कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, मनीष तिवाड़ी ते कुछ सीनियर नेतावां वल्लों जिहड़ा है वो अमृतसर माझे दे आले दुआले जिहड़े डेरे ने उन्हां दे मुखियां दे नाल मुलाकातां जिहड़ियां ने वह पिछले 1-2 दिनों तो कीतियां जा रही ने। हुण दुआबे दे उत्ते नज़र है, अज दुआबे च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। दुआबे दे विच डेरा राधा स्वामी की वड्डी वोट बैंक है। खास तौर दे उत्ते ब्यास डेरा राधा स्वामी की गल की जाए तो जलंधर ते आले दुआले दे च वड्डा वोट बैंक है, तो उत्थे एक दिन पहला जलंधर होने तो एक दिन पहला डेरा मुखी के नाल PM की मुलाकात अपने आप से कई मायने रखती है। सो देखना होगा कि भाजपा अपनी इस कोशिश के किस तरीके दे नाल कामयाब रही है कि डेरा वोट बैंक भाजपा के हक च पंजाब च भुगतेगा। जे भुगतेगा तो नतीजे किवें दे आउणगे, भाजपा दीआं कोशिशां नूं किन्ना कबूर पवेगा, यह तो 10 मार्च की तारीख दसेगी जिस दिन वोटां की गिनती होगी। पर इस वेले भाजपा की अख पंजाब च डेरियां दी वोट के उत्ते है, तो PM मोदी तो लैके हर भाजपा लीडर इस वेले पंजाब च डेरे दीआं वोटां नूं कीलण दे विच लगा होया है। पंजाब च डेरियां दी वोट दे उत्ते जिसनू लैके PM मोदी तो लैके भाजपा के छोटे वर्कर भी डेरिया दे नाल संपर्क साध दे नज़र आ रहे ने। दस दिए कि पंजाब दे विच चाहे माझे की गल होवे, दुआबे की गल होवे, मालवे की गल होवे, वख-वख डेरियां दी वड्डी वोट बैंक है। डेरियां दी वोट बैंक पंजाब दीआं चोणां दे विच हमेशा ही वड्डा रोल अदा करदी है, तो इसे दे चलदे हुण जदों लोग जिहड़े ने ओह भाजपा तो किते ना किते उन्ना ज़्यादा वड्डा हुंगारा नहीं दिंदे नज़र आ रहे, तां भाजपा की कोशिश हुण डेरियां ते डोरे पाउण दी हो रही है। डेरियां दी वोट नूं कीलण दे विच भाजपा लगी हुई है, जिस दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लैके भाजपा का हर वर्कर योगदान पाउंदा नज़र आ रहा है। कल तस्वीर वायरल हुई सी जिस तस्वीर दे विच डेरा मुखी ब्यास राधा स्वामी डेरे दे मुखी ब्यास तो जिहड़े गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने उन्हां वल्लों मुलाकात की गई सी PM मोदी दे नाल, सो उन्हां दी पंजाब फेरी तो पहला अजिही तस्वीर सामने आना अपने आप च वड्डी कह सकदे आ कि वड्डे मायने रखदी है, क्योंकि डेरा ब्यास जिसका वड्डा वोट बैंक जलंधर ते दुआबे खेतर दे विच उस
वेले वो मुलाकात हुंदी है जदों पंजाब दे विच कह सकते हैं कि जलंधर शहर च खास करके दुआबे च पीएम मोदी की रैली होण जा रही होवे उस तो एक दिन पहला डेरा मुखी दे नाल तस्वीर वायरल होना यह जरूर बयान करता है कि भाजपा की वोट इस वेले पंजाब दे डेरियां दी वोट दे नाल जिहड़ा उत्थे कह सकते हैं कि अख जिहड़ी रखी हुई है। इस तो पहला मालवे की गल की जाए तो डेरा सच्चा सौदा दे मुखी राम रहीम नू 21 दिन की परोल मिलने भी भाजपा की वोट बैंक के नाल जोड़ के देखा जा रहा है। भाजपा के वड्डे लीडर पिछले कई दिनों तो डेरा सच्चा सौदा दे गेड़े लगाते दिखाई दे रहे हैं। इतों तक कि भाजपा के सीनियर जिहड़े नेता ने सुरजीत जियाणी वह तो अपने आप को डेरा सच्चा सौदा का उपाशक दस चुके ने, अपने आप को डेरा प्रेमी आख चुके ने, तो ये आख चुके ने कि वह हमेशा ही डेरे ते आउंदे रहिंदे ने। इस तों अलावा कई होर दिग्गज लीडर भी पंजाब च भाजपा के डेरा राम रहीम दे जिहड़े डेरे ने उन्होंने उत्ते गेड़े लगाते दिखाई देते हैं। दुआबे च गल की जाए तो दुआबे च जिथे राधा स्वामी के मुखी के नाल मुलाकात की गई है उत्थे ही चर्चावां ये भी ने कि डेरा सचखंड बल्ला उन्हां दी वोट बैंक नूं लैके भी भाजपा दे कई जिहड़े वड्डे लीडर ने वो उत्थों दे मुखी जिहड़े ने उन्हां दे नाल संपर्क साधन दे विच लगे हुए ने। इस तरीके दे नाल चाहे वह नामधारी संपर्दा होवे, चाहे वह नूर मैली संपर्दा होवे, जां फिर होर जिहड़ियां संपर्दावां दे डेरे ने पंजाब दे विच, उन्हां दी वोट नूं मुख रख के भाजपा पंजाब दे विच डेरियां दे नाल संपर्क साधन च लगी हुई है। तो आए दिन नवीं तस्वीरां इस गल दे उत्ते की मोहर लगाउंदियां भी नज़र आ रही ने। भाजपा नूं इंज लग रहा है कि पंजाब च डेरावाद जिहड़ा है वह वड्डी गिनती दे विच वधिया है, डेरियां दे नाल वड्डी वोट जुड़ी हुई है। तो जेकर पंजाब च कुछ भी डेरे उन्हां दे हक च भुगत जांदे ने तां पंजाब च भाजपा दी वोट बैंक जिहड़ी है उहदे च खासा वाधा होवेगा। इस दे चलदे जिहड़ा है भाजपा वल्लों पंजाब दे विच लगातार कोशिश की जा रही है कि डेरियां दी वोट नूं जिहड़ा है वह अपने हक च कीता जावे। डेरियां दी वोट जिहड़ी है वह भाजपा जिहड़ी है उस नूं अपने हक च भुगता देवे तां जो जिहड़े नतीजे ने वह हैरानीजनक सामने आ सकन। सो कल रात जिस तरीके दे नाल तस्वीर वायरल हुंदी है ये भी दस दिए कि जिस समय पीएम मोदी डेरा राधा स्वामी डेरा दे मुखी दे नाल दिल्ली च मीटिंग कर रहे सी उस ही समय पंजाब दे विच गृहमंत्री अमित शाह जिहड़े सन वह अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे नाल मुलाकात कर रहे सन। एक घंटा लंबी गलबात हुंदी है ज्ञानी हरप्रीत सिंह दी अमित शाह दे नाल, जिस दी पुष्टि खुद ज्ञानी हरप्रीत सिंह हुणा वल्लों की गई। उन्हें आख्या कि चाहे बंदी सिखां दी रिहाई होवे, शिलोंग च सिखां दा मसला होवे, जां फिर होर जिहड़े तमाम पूरे भारत दे सिखां दे मसले ने, उन्हां दे उत्ते विचार चर्चा जिहड़ी है वह की गई है। सो ये तस्वीरां पहलां भाजपा की राजनीति जिहड़ी पंजाब च रही है उस दौरान कदी भी देखण नूं नहीं मिलियां। इस वेले भाजपा की अख पंजाब च डेरे की वोट के उत्ते, राधा स्वामी डेरे दे मुखी दे नाल मुलाकात हो चुकी है, राम रहीम होणा नूं पैरोल मिल चुकी है, उत्थे भाजपा के जिहड़े लीडर ने वह गेड़े लगाउंदे दिखाई दे रहे हैं। इस तों अलावा दुआबे के जिहड़े वड्डे डेरे ने उन्हां दे वल भी भाजपा संपर्क साधदी नज़र आ रही है। इस तों अलावा पंजाब दे होर भी जिहड़ियां संपर्दावां ने जिन्हां दा मैं जिक्र पहलां भी कर चुकिया हाँ, उन्हां दे नाल भी संपर्क साधन की कोशिश जिहड़ी है हो रही है। राम रहीम चाहे 21 दिन की परोल दे उत्ते है पर डेरे वल्लों ये ऐलान कर दिता गया है कि वह किस पार्टी नूं सपोर्ट करनगे। इस बार जल्दी ही वोटां तों 48 घंटे पहलां वह अपना फैसला सुना देणगे। इस वेले डेरा सच्चा सौदी दे राजनीतिक विंग दे जिहड़े लोग ने वह वख-वख हलकियां च जा रहे ने, लोगों की राय लै रहे ने, तो उस तों बाद डेरे राजनीतिक विंग जिहड़ा है वह छरेआम खुलेआम जिहड़ा फैसला है वह सुनावेगा कि इस बार डेरे की वोट केड़ी पार्टी दे हक च भुगतेगी। मालवे च वड्डा जन आधार है, वड्डी वोट मन्नी जांदी है, कई हलकियां नूं प्रभावित करदी है डेरा सिरसा दी वोट। सो वह भी फैसला काफ़ी अहम होवेगा। जिस तरीके दे नाल पंजाब विधानसभा चोणां पहली बार भाजपा लड़ रही है तो पहली बार राम रहीम नूं उसकी सज़ा के दौरान 21 दिन की पैरोल मिली है। सो किते ना किते इस सारे संदर्भ नूं भी भाजपा की मालवा च मजबूती दे नाल जोड़ के देखा जा रहा है। दुआबे दे विच भी भाजपा की नज़र डेरा वोट
बैंक के उत्ते दुआबे के जिहड़े वड्डे डेरे ने उन्हां दे नाल भाजपा लगातार संपर्क साध रही है। भाजपा की कोशिश है कि डेरे की वोट नूं कील के पंजाब च एक वक्री हवा अपने पक्ष च बनाई जा सके। कल अमित शाह पंजाब पहुँचे सन, अज प्रधानमंत्री पंजाब पहुँचणगे। आने वाले छे दिनों के दौरान तीन वड्डियां रैलियां पंजाब दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करनगे। इस दौरान दस्या जा रहा है कि एक हवा बनाउण दी कोशिश चोण प्रचार दे आखिरी दिनों दे दौरान रहेगी। तो यह भी मन्या जा रहा है कि कई होर वड्डियां शख्सियतां जिहड़ियां ने इन्हां चार पांच दिनों दे दौरान पंजाब च भाजपा दा पल्ला फड़ सकदियां ने। जिस तरीके दे नाल अज मनीषा गुलाटी दी जिहड़ी शमूलियत है वह भाजपा च होण जा रही है। पंजाब वूमन कमीशन दे चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी हुण तों एक जां दो घंटे दे अंदर भाजपा च शामिल हो जाणगे। भाजपा दे दिग्गज लीडरां दे जिहड़े डेरे ने इस वेले पंजाब च लगे हुए ने। दस्या जा रहा है कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, मनीष तिवाड़ी ते कुछ सीनियर नेतावां वल्लों जिहड़ा है वो अमृतसर माझे दे आले दुआले जिहड़े डेरे ने उन्हां दे मुखियां दे नाल मुलाकातां जिहड़ियां ने वो पिछले एक दो दिनों तो कीतियां जा रही ने। हुण दुआबे दे उत्ते नज़र है। अज दुआबे च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। दुआबे दे विच डेरा राधा स्वामी की वड्डी वोट बैंक है। खास तौर दे उत्ते ब्यास डेरा राधा स्वामी की गल की जाए तो जलंधर ते आले दुआले दे इलाकों वड्डा वोट बैंक है। तो उत्थे एक दिन पहला जलंधर आने तो एक दिन पहला डेरा मुखी के नाल पीएम की मुलाकात अपने आप से कई मायने रखती है। सो देखना होगा कि भाजपा अपनी इस कोशिश के किस तरीके दे नाल कामयाब रही है कि डेरा वोट बैंक भाजपा के हक च पंजाब च भुगतेगा। जे भुगतेगा तो नतीजे किवें दे आउणगे, भाजपा दीआं कोशिशां नूं किन्ना कबूर पवेगा, ये तो 10 मार्च की तारीख दसेगी जिस दिन वोटां की गिनती होगी। पर इस वेले भाजपा की अख पंजाब डेरिया की वोट के उत्ते है। तो पीएम मोदी तो लैके हर भाजपा लीडर इस वेले पंजाब डेरे दियां वोटां नूं कीलण दे विच लगा होया है। दिते ने भाजपा की अख इस वेले पंजाब डेरिया की वोट के उत्ते, जिसनूं लैके पीएम मोदी तो लैके भाजपा के छोटे वर्कर भी डेरिया के नाल संपर्क साध दे नज़र आ रहे ने। दस दिए कि पंजाब दे विच चाहे माझे की गल होवे, दुआबे की गल होवे, मालवे की गल होवे, वख-वख डेरिया की वड्डी वोट बैंक है। डेरिया की वोट बैंक पंजाब दीआं चोणां दे विच हमेशा ही वड्डा रोल अदा करदी है। तो इस दे चलदे हुण जदों लोग जिहड़े ने उह भाजपा तो किते ना किते उन्ना ज़्यादा वड्डा हुंगारा नहीं दिंदे नज़र आ रहे, तां भाजपा की कोशिश हुण डेरिया ते डोरे पाउण दी हो रही है। डेरिया दी वोट नूं कीलण दे विच भाजपा लगी हुई है, जिस दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लैके भाजपा का हर वर्कर योगदान पाउंदा नज़र आ रहा है। कल तस्वीर वायरल हुई सी, जिस तस्वीर दे विच डेरा मुखी ब्यास राधा स्वामी डेरे दे मुखी ब्यास तो जिहड़े गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने उन्हां वल्लों मुलाकात की गई सी पीएम मोदी दे नाल। सो उन्हां दी पंजाब फेरी तो पहला अजिही तस्वीर सामने आना अपने आप च वड्डी कह सकदे आ कि वड्डे मायने रखदी है, क्योंकि डेरा ब्यास जिसका वड्डा वोट बैंक जलंधर ते दुआबे खेतर दे विच उस वेले वो मुलाकात हुंदी है जदों पंजाब दे विच कह सकदे आ कि जलंधर शहर च खास करके दुआबे च पीएम मोदी की रैली होण जा रही होवे, उस तो एक दिन पहला डेरा मुखी दे नाल तस्वीर वायरल होना यह जरूर बयान करता है कि भाजपा की वोट इस वेले पंजाब दे डेरियां दी वोट दे नाल जिहड़ा उत्थे कह सकदे आ कि अख जिहड़ी है रखी हुई है। इस तो पहला मालवे की गल की जाए तो डेरा सच्चा सौदा दे मुखी राम रहीम 21 दिन की परोल मिलने भी भाजपा की वोट बैंक के नाल जोड़ के देखा जा रहा है। भाजपा के वड्डे लीडर पिछले कई दिनों तो डेरा सच्चा सौदा के गेड़े लगाते दिखाई दे रहे हैं। इतों तक कि भाजपा के सीनियर जिहड़े नेता ने सुरजीत जियाणी वह तो अपने आप को डेरा सच्चा सौदा का उपाशक दस चुके ने, अपने आप को डेरा प्रेमी आख चुके ने, तो ये आख चुके ने कि वह हमेशा ही डेरे से आते रहते हैं। इस तो अलावा कई होर दिग्गज लीडर भी पंजाब च भाजपा के डेरा राम रहीम दे जिहड़े डेरे ने उन्होंने उत्ते गेड़े लगाते दिखाई देते हैं। दुआबे च गल की जाए तो दुआबे च जिथे राधा स्वामी के मुखी के नाल मुलाकात की गई है उत्थे ही चर्चावां ये भी ने कि डेरा
सचखंड बल्ला उन्हां दी वोट बैंक नूं लैके भी भाजपा दे कई जिहड़े वड्डे लीडर ने ओह उत्थों दे मुखी जिहड़े ने उन्हां दे नाल संपर्क साधन दे विच लगे हुए ने। इसे तरीके दे नाल चाहे ओह नामधारी संपर्दा होवे, चाहे ओह नूर मैली संपर्दा होवे, जां फिर होर जिहड़ियां संपर्दावां दे डेरे ने पंजाब दे विच, उन्हां दी वोट नूं मुख रख के भाजपा पंजाब दे विच डेरियां दे नाल संपर्क साधन च लगी हुई है। ते आए दिन नवीआं तस्वीरां इस गल दे उत्ते की मोहर लगाउंदियां भी नज़र आ रही ने। भाजपा नूं इंज लग रहा है कि पंजाब च डेरावाद जिहड़ा है ओह वड्डी गिणती दे विच वधिया है, डेरियां दे नाल वड्डी वोट जुड़ी हुई है। ते जेकर पंजाब च कुछ क डेरे उन्हां दे हक च भुगत जांदे ने तां पंजाब च भाजपा दी वोट बैंक जिहड़ी है उहदे च खासा वाधा होवेगा। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ PM ਮੋਦੀ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਲੌਂਗ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਚਾਹੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੋਧੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਵੋਟ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਡੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਸ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ
इलाकों वड्डा वोट बैंक है तो उत्थे एक दिन पहला जलंधर आने तो एक दिन पहला डेरा मुखी के नाल पीएम की मुलाकात अपने आप से कई मायने रखती है। सो देखना होगा कि भाजपा अपनी इस कोशिश के किस तरीके दे नाल कामयाब रही है कि डेरा वोट बैंक भाजपा के हक च पंजाब च भुगतेगा, जे भुगतेगा तो नतीजे किवें दे आउणगे, भाजपा दीआं कोशिशां नूं किन्ना कबूर पवेगा, ये तो 10 मार्च की तारीख दसेगी जिस दिन वोटां की गिणती होगी। पर इस वेले भाजपा की अख पंजाब च डेरियां दी वोट के उत्ते है ते पीएम मोदी तो लैके हर भाजपा लीडर इस वेले पंजाब च डेरे दीआं वोटां नूं कीलण दे विच लगा होया है दिते ने। भाजपा की अख इस वेले पंजाब च डेरियां दी वोट दे उत्ते जिसनूं लैके पीएम मोदी तो लैके भाजपा के छोटे वर्कर भी डेरिया के नाल संपर्क साधते नज़र आ रहे हैं। दस दिए कि पंजाब दे विच चाहे माझे की गल होवे, दुआबे की गल होवे, मालवे की गल होवे, वख-वख डेरिया की वड्डी वोट बैंक है। डेरिया की वोट बैंक पंजाब दीआं चोणां दे विच हमेशा ही वड्डा रोल अदा करदी है ते इसे दे चलदे हुण जदों लोग जिहड़े ने ओह भाजपा तो किते ना किते उन्ना ज़्यादा वड्डा हुंगारा नहीं दिंदे नज़र आ रहे तां भाजपा की कोशिश हुण डेरिया ते डोरे पाउण दी हो रही है। डेरिया दी वोट नूं कीलण दे विच भाजपा लगी हुई है जिस दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लैके भाजपा का हर वर्कर योगदान पाउंदा नज़र आ रहा है। कल तस्वीर वायरल हुई सी जिस तस्वीर दे विच डेरा मुखी ब्यास राधा स्वामी डेरे दे मुखी ब्यास तो जिहड़े गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने उन्हां वल्लों मुलाकात की गई सी पीएम मोदी दे नाल। सो उन्हां दी पंजाब फेरी तो पहला अजिही तस्वीर सामने आना अपने आप च वड्डी कह सकदे आ कि वड्डे मायने रखदी है क्योंकि डेरा ब्यास जिसका वड्डा वोट बैंक जलंधर ते दुआबे खेतर दे विच उस वेले वो मुलाकात हुंदी है जदों पंजाब दे विच कह सकदे आ कि जलंधर शहर च खास करके दुआबे च पीएम मोदी की रैली होण जा रही होवे उस तो एक दिन पहला डेरा मुखी दे नाल तस्वीर वायरल होना यह जरूर बयान करता है कि भाजपा की वोट इस वेले पंजाब दे डेरियां दी वोट दे नाल जिहड़ा उत्थे कह सकदे आ कि अख जिहड़ी रखी हुई है। इस तो पहला मालवे की गल की जाए तो डेरा सच्चा सौदा दे मुखी राम रहीम 21 दिन की परोल मिलने भी भाजपा की वोट बैंक के नाल जोड़ के देखा जा रहा है। भाजपा के वड्डे लीडर पिछले कई दिनों तो डेरा सच्चा सौदा के गेड़े लगाते दिखाई दे रहे हैं। इतों तक कि भाजपा के सीनियर जिहड़े नेता ने सुरजीत जियाणी वह तो अपने आप को डेरा सच्चा सौदा का उपाशक दस चुके ने, अपने आप को डेरा प्रेमी आख चुके ने, तो ये आख चुके ने कि वह हमेशा ही डेरे से आते रहते हैं। इस तो अलावा कई होर दिग्गज लीडर भी पंजाब च भाजपा के डेरा राम रहीम दे जिहड़े डेरे ने उन्होंने उत्ते गेड़े लगाते दिखाई देते हैं। दुआबे च गल की जाए तो दुआबे च जिथे राधा स्वामी के मुखी के नाल मुलाकात की गई है उत्थे ही चर्चावां ये भी ने कि डेरा सचखंड बल्ला उन्हां दी वोट बैंक नूं लैके भी भाजपा के कई जिहड़े वड्डे लीडर ने वो उत्थों दे मुखी जिहड़े ने उन्हां दे नाल संपर्क साधन दे विच लगे हुए ने। इस तरीके दे नाल चाहे वह नामधारी संपर्दा होवे, चाहे वह नूर मैली संपर्दा होवे, जां फिर होर जिहड़ियां संपर्दावां दे डेरे ने पंजाब दे विच, उन्हां दी वोट नूं मुख रख के भाजपा पंजाब दे विच डेरियां दे नाल संपर्क साधन च लगी हुई है ते आए दिन नवीआं तस्वीरां इस गल दे उत्ते की मोहर लगाउंदियां भी नज़र आ रही ने। भाजपा नूं इंज लग रहा है कि पंजाब च डेरावाद जिहड़ा है वह वड्डी गिणती दे विच वधिया है, डेरियां दे नाल वड्डी वोट जुड़ी हुई है ते जेकर पंजाब च कुछ क डेरे उन्हां दे हक च भुगत जांदे ने तां पंजाब च भाजपा दी वोट बैंक जिहड़ी है उहदे च खासा वाधा होवेगा। इसे दे चलदे जिहड़ा है भाजपा वल्लों पंजाब दे विच लगातार कोशिश की जा रही है कि डेरियां दी वोट नूं जिहड़ा है वह अपने हक च कीता जावे, डेरियां दी वोट जिहड़ी है वह भाजपा जिहड़ी है उस नूं अपने हक च भुगता देवे तां जो जिहड़े नतीजे ने वह हैरानीजनक सामने आ सकन। सो कल रात जिस तरीके दे नाल तस्वीर वायरल हुंदी है ये भी दस दिए कि जिस समय पीएम मोदी डेरा राधा स्वामी डेरा दे मुखी दे नाल दिल्ली च मीटिंग कर रहे सी उस ही समय पंजाब दे विच गृहमंत्री अमित शाह जिहड़े सन वह अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे नाल मुलाकात कर रहे सन। एक घंटा लंबी गलबात हुंदी है ज्ञानी हरप्रीत सिंह दी अमित शाह दे नाल, जिस दी पुष्टि खुद ज्ञानी हरप्रीत सिंह हुणा वल्लों की गई। उन्हें आख्या कि चाहे बंदी सिखां दी रिहाई होवे, शिलोंग च सिखां दा मसला होवे, जां फिर होर जिहड़े तमाम पूरे भारत के सिखां दे मसले ने,
उन्हां दे उत्ते विचार चर्चा जिहड़ी है वह की गई है। सो ये तस्वीरां पहलां भाजपा की राजनीति जिहड़ी पंजाब च रही है उस दौरान कदी भी देखण नूं नहीं मिलियां। इस वेले भाजपा की अख पंजाब च डेरे की वोट के उत्ते, राधा स्वामी डेरे दे मुखी दे नाल मुलाकात हो चुकी है, राम रहीम होणा नूं पैरोल मिल चुकी है। उत्थे भाजपा के जिहड़े लीडर ने वह गेड़े लगाउंदे दिखाई दे रहे हैं। इस तों इलावा दुआबे के जिहड़े वड्डे डेरे ने उन्हां दे वल भी भाजपा संपर्क साध दी नज़र आ रही है। इस तों इलावा पंजाब दे होर भी जिहड़ियां संपर्दावां ने जिन्हां दा मैं जिक्र पहलां भी कर चुकिया हाँ, उन्हां दे नाल भी संपर्क साधन की कोशिश जिहड़ी है हो रही है। राम रहीम चाहे 21 दिन की परोल के उत्ते है, पर डेरे वालों ये ऐलान कर दिता गया है कि वह किस पार्टी नूं सपोर्ट करनगे। इस बार जल्दी ही वोटां तों 48 घंटे पहलां वह अपना फैसला सुना देणगे। इस वेले डेरा सच्चा सौदी दे राजनीतिक विंग दे जिहड़े लोग ने वह वख-वख हलकियां च जा रहे ने, लोगों की राय लै रहे हैं, तो उस तो बाद डेरे का राजनीतिक विंग जिहड़ा है वह छरेआम खुलेआम जिहड़ा फैसला है वह सुनावेगा कि इस बार डेरे की वोट केड़ी पार्टी दे हक च भुगतेगी। मालवे च वड्डा जन आधार है, वड्डी वोट मन्नी जांदी है, कई हलकियां नूं प्रभावित करदी है डेरा सिरसा दी वोट। सो वह भी फैसला काफ़ी अहम होवेगा। जिस तरीके दे नाल पंजाब विधानसभा चोणां पहली बार भाजपा लड़ रही है, तो पहली बार राम रहीम नूं उसकी सज़ा के दौरान 21 दिन की पैरोल मिली है। सो किते ना किते इस सारे संदर्भ नूं भी भाजपा की मालवा च मजबूती दे नाल जोड़ के देखा जा रहा है। दुआबे दे विच भी भाजपा की नज़र डेरा वोट बैंक के उत्ते, दुआबे के जिहड़े वड्डे डेरे ने उन्हां दे नाल भाजपा लगातार संपर्क साध रही है। भाजपा की कोशिश है कि डेरे की वोट नूं कील के पंजाब च एक वक्री हवा अपने पक्ष च बनाई जा सके। कल अमित शाह पंजाब पहुँचे सन, अज प्रधानमंत्री पंजाब पहुँचणगे। आने वाले 6 दिनों के दौरान 3 वड्डियां रैलियां पंजाब दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करनगे। इस दौरान दस्या जा रहा है एक हवा बनाउण दी कोशिश चोण प्रचार दे आखिरी दिनां दे दौरान रहेगी। तो यह भी मन्या जा रहा है कि कई होर वड्डियां शख्सियतां जिहड़ियां ने इन्हां 4-5 दिनां दे दौरान पंजाब च भाजपा दा पल्ला फड़ सकदियां ने। जिस तरीके दे नाल अज मनीषा गुलाटी दी जिहड़ी शमूलियत है वह भाजपा च होण जा रही है। पंजाब वूमन कमीशन दे चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी हुण तों 1 या 2 घंटे दे अंदर भाजपा च शामिल हो जाणगे। भाजपा दे गज लीडरां दे जिहड़े डेरे ने इस वेले पंजाब च लगे हुए ने। दस्या जा रहा है कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, मनीष तिवाड़ी ते कुछ सीनियर नेतावां वल्लों जिहड़ा है वो अमृतसर माझे दे आले दुआले जिहड़े डेरे ने उन्हां दे मुखियां दे नाल मुलाकातां जिहड़ियां ने वो पिछले 1-2 दिनों तो कीतियां जा रही ने। हुण दुआबे दे उत्ते नज़र है। अज दुआबे च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। दुआबे दे विच डेरा राधा स्वामी की वड्डी वोट बैंक है। खास तौर दे उत्ते ब्यास डेरा राधा स्वामी की गल की जाए तो जलंधर ते आले दुआले दे इलाकियां च वड्डा वोट बैंक है। तो उत्थे एक दिन पहला जलंधर होने तो एक दिन पहला डेरा मुखी के नाल PM की मुलाकात अपने आप च कई मायने रखती है। सो देखना होगा कि भाजपा अपनी इस कोशिश के विच किस तरीके दे नाल कामयाब रही है कि डेरा वोट बैंक भाजपा के हक च पंजाब च भुगतेगा। जे भुगतेगा तो नतीजे किवें दे आउणगे, भाजपा दीआं कोशिशां नूं किन्ना कबूर पवेगा, ये तो 10 मार्च की तारीख दसेगी जिस दिन वोटां की गिनती होगी। पर इस वेले भाजपा की अख पंजाब डेरिया की वोट के उत्ते है। तो PM मोदी तो लैके हर भाजपा लीडर इस वेले पंजाब डेरे दियां वोटां नूं कीलण दे विच लगा होया है दिते ने। भाजपा की अख इस वेले पंजाब डेरिया की वोट के उत्ते, जिसनूं लैके PM मोदी तो लैके भाजपा के छोटे वर्कर भी डेरिया दे नाल संपर्क साध दे नज़र आ रहे ने। दस दिए कि पंजाब दे विच चाहे माझे की गल होवे, दुआबे की गल होवे, मालवे की गल होवे, वख-वख डेरिया की वड्डी वोट बैंक है। डेरिया की वोट बैंक पंजाब दीआं चोणां दे विच हमेशा ही वड्डा रोल अदा करदी है। तो इस दे चलदे हुण जदों लोग जिहड़े ने ओह भाजपा तो किते ना किते उन्ना ज़्यादा वड्डा हुंगारा नहीं दिंदे नज़र आ रहे, तां भाजपा की कोशिश हुण डेरिया ते डोरे पाउण दी हो रही है। डेरिया दी वोट नूं कीलण दे विच भाजपा लगी हुई है, जिस दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लैके भाजपा का हर वर्कर योगदान पाउंदा नज़र आ रहा है। कल तस्वीर वायरल हुई सी, जिस तस्वीर दे विच डेरा मुखी ब्यास राधा स्वामी डेरे दे मुखी ब्यास तो जिहड़े गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने उन्हां वल्लों मुलाकात की गई सी PM मोदी दे नाल। सो उन्हां दी पंजाब फेरी तो पहला अजिही तस्वीर सामने आना अपने आप च वड्डी कह सकदे आ कि वड्डे मायने रखदी है, क्योंकि डेरा ब्यास जिसका वड्डा वोट बैंक जलंधर ते दुआबे खेतर दे विच उस
वेले वो मुलाकात हुंदी है जदों पंजाब दे विच कह सकते हैं कि जलंधर शहर च खास करके दुआबे च पीएम मोदी की रैली होण जा रही होवे उस तो एक दिन पहला डेरा मुखी दे नाल तस्वीर वायरल होना यह जरूर बयान करता है कि भाजपा की वोट इस वेले पंजाब दे डेरियां दी वोट दे नाल जिहड़ा उत्थे कह सकते हैं कि अख जिहड़ी रखी हुई है। इस तो पहला मालवे की गल की जाए तो डेरा सच्चा सौदा दे मुखी राम रहीम नू 21 दिन की परोल मिलने भी भाजपा की वोट बैंक के नाल जोड़ के देखा जा रहा है। भाजपा के वड्डे लीडर पिछले कई दिनों तो डेरा सच्चा सौदा दे गेड़े लगाते दिखाई दे रहे हैं। इतों तक कि भाजपा के सीनियर जिहड़े नेता ने सुरजीत जियाणी वह तो अपने आप को डेरा सच्चा सौदा का उपाशक दस चुके ने, अपने आप को डेरा प्रेमी आख चुके ने, तो ये आख चुके ने कि वह हमेशा ही डेरे ते आउंदे रहिंदे ने। इस तों अलावा कई होर दिग्गज लीडर भी पंजाब च भाजपा के डेरा राम रहीम दे जिहड़े डेरे ने उन्होंने उत्ते गेड़े लगाते दिखाई देते हैं। दुआबे च गल की जाए तो दुआबे च जिथे राधा स्वामी के मुखी के नाल मुलाकात की गई है उत्थे ही चर्चावां ये भी ने कि डेरा सचखंड बल्ला उन्हां दी वोट बैंक नूं लैके भी भाजपा के कई जिहड़े वड्डे लीडर ने वो उत्थों दे मुखी जिहड़े ने उन्हां दे नाल संपर्क साधन दे विच लगे हुए ने। इस तरीके दे नाल चाहे वह नामधारी संपर्दा होवे, चाहे वह नूर मैली संपर्दा होवे, जां फिर होर जिहड़ियां संपर्दावां दे डेरे ने पंजाब दे विच, उन्हां दी वोट नूं मुख रख के भाजपा पंजाब दे विच डेरियां दे नाल संपर्क साधन च लगी हुई है। तो आए दिन नवीं तस्वीरां इस गल दे उत्ते की मोहर लगाउंदियां भी नज़र आ रही ने। भाजपा नूं इंज लग रहा है कि पंजाब च डेरावाद जिहड़ा है वह वड्डी गिनती दे विच वधिया है, डेरियां दे नाल वड्डी वोट जुड़ी हुई है। तो जेकर पंजाब च कुछ भी डेरे उन्हां दे हक च भुगत जांदे ने तां पंजाब च भाजपा दी वोट बैंक जिहड़ी है उहदे च खासा वाधा होवेगा। इस दे चलदे जिहड़ा है भाजपा वल्लों पंजाब दे विच लगातार कोशिश की जा रही है कि डेरियां दी वोट नूं जिहड़ा है वह अपने हक च कीता जावे। डेरियां दी वोट जिहड़ी है वह भाजपा जिहड़ी है उस नूं अपने हक च भुगता देवे तां जो जिहड़े नतीजे ने वह हैरानीजनक सामने आ सकन। सो कल रात जिस तरीके दे नाल तस्वीर वायरल हुंदी है ये भी दस दिए कि जिस समय पीएम मोदी डेरा राधा स्वामी डेरा दे मुखी दे नाल दिल्ली च मीटिंग कर रहे सी, उस ही समय पंजाब दे विच गृहमंत्री अमित शाह जिहड़े सन वह अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे नाल मुलाकात कर रहे सन। एक घंटा लंबी गलबात हुंदी है ज्ञानी हर